the Dawn Express. I'm now Sashka. नमस्कार, डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। जैसा कि एग्जिट पोलों ने अनुमान लगाया था, आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं तथा आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज करके एक जबरदस्त वापसी की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 8 सीटों से संतोष करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने जहां अपने पिछले साल के वोट प्रतिशत लगभग 54% को बरकरार रखा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछले विधानसभा 2015 में जिसे 32% वोट मिले थे, उसकी वोट के प्रतिशत बढ़ करके लगभग 39% हो गया, लेकिन उसे मात्र 8 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली से सफाया हो गया। उसकी 70 में से 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। यह किसी के भी कल्पना से परे है कि जो कांग्रेस पार्टी 5 साल पहले दिल्ली की सत्ता में थी, वह 67 सीटों पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। इस जीत के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना तय है। जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं मीडिया को भी संबोधित किया तथा उन्हें इस जीत की बधाई दी। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो उन्होंने जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को भारत माता की पार्टी कार्यालय में संबोधित करते हुए। इनकलाब, वंदे वंदे। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। दोस्तों, मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। यह दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। ये हर उस परिवार की जीत है जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम है काम की राजनीति। दिल्ली के लोगों ने अब संदेश दे दिया कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया, वोट उसी को जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया, वोट उसी को जो 24 घंटे बिजली देगा।
वोट उसी को जो सस्ती बिजली देगा, घर घर को पानी देगा, हमारे मोहल्ले में सड़क बनवाएगा। दोस्तों, ये एक नई किस्म की राजनीति है, एक नई किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हो रही है। ये देश के लिए बहुत शुभ चीज है, ये देश के लिए बहुत शुभ संदेश है। और यही राजनीति हमारे देश को 21वीं सदी में ले जा सकती है। ये केवल दिल्ली के लोगों की जीत नहीं है दोस्तों, ये हमारी भारत माता की जीत है, ये पूरे देश की जीत है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्लीवासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सकें। मैं सभी दिल्लीवासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। अब दिल्ली के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से, अपने परिवार ने बड़ी उम्मीदों से इतनी सीटें दी है। अब अपने को अगले 5 साल खूब मेहनत करनी है ना, सब मिलके करेंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता। सब लोग तैयार हैं? भारत माता की, इनकलाब वंदे। इससे पहले आज सुबह 8 बजे पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ वोटों की गिनती शुरू हुई। द डॉन एक्सप्रेस की टीम भी दिल्ली के कई काउंटिंग सेंटरों का, मतगणना केंद्रों का दौरा की, वहां से अपनी रिपोर्ट की तथा लोगों के विचार जाने। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारी जो सुबह की ग्राउंड रिपोर्ट थी, जो द डॉन एक्सप्रेस की टीम दिन भर दिल्ली के सड़कों पर विभिन्न मतगणना केंद्रों पर घूम रही थी, उनका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? पुलिस बैरिकेड के बाहर खड़ा हो, उसे आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों उत्तम नगर, फिर जो द्वारका और बिजवासर की मतगणना चल रही है। कुछ समय में सारी वस्तु स्थिति साफ हो जाएगी। सामने इस वक्त सेक्टर 9 द्वारका ITI के पुलिस बैरिकेड के पास खड़ा हूँ, इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। इस मतगणना केंद्र में कासपुरी, पटियाला, पालम और मेजरपुर की मतगणना चल रही है। अब दिन के दिन में 11:30 बजने वाले हैं, कुछ देर में सारी वस्तु स्थिति साफ हो जाएगी। धन्यवाद। इस वक्त हम NSUT सेक्टर 3 द्वारका में खड़े हैं। यहाँ पर इस वक्त 7 विधानसभा क्षेत्रों हरिनगर, जनकपुरी, तिलक नगर, मोती नगर, रजौरी गार्डन, मादीपुर और नांगलोई जाट की मतगणना हो रही है। इन 7 विधानसभा के परिणाम कुछ देर में स्पष्ट हो जाएंगे। इस वक्त दिल्ली के 11 जिलों के लगभग 21 मतदान केंद्रों में मतगणना हो रही है। इस बार कुल 92,54,843 लोगों ने मतदान किया था। 2008 में 57.58% मतदान हुआ था, 2013 में 65.63%
मतदान हुआ था 2015 में 67.12% मतदान हुआ था, 2020 में 62.59% मतदान हुआ है। मैं संजीव गोस्वामी, द डॉन एक्सप्रेस, NSUT सेक्टर 3 से आए हैं विधानसभा क्षेत्र से, और यहाँ पे लोगों की व्यू जानना चाहते हैं कि जिस हिसाब से आज जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से लोगों में बहुत उत्साह है, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कि उनके क्या विचार हैं, और ये काम की जीत थी या फिर केजरीवाल जी की जीत थी या दोनों ही थी। ये हैं यहाँ के बड़े फेमस चावला साहब। चावला साहब के आप बताइए कि यहाँ पर जो माहौल था सौहार्दपूर्ण माहौल था, और यहाँ पर जो जीत हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? केजरीवाल जी ने शिक्षा पर भी बहुत काम किया है, शिक्षा पर भी काम किया है, और भी बिजली पानी पे सब, सड़कों में सीवर पे सब बहुत काम किया। आप ये कहना चाहते हैं जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पे इनको वोट मिला है, और ये बात भी सही है? ये बात सही है, और ये महेंद्र यादव को वोट नहीं मिला, ये केजरीवाल को 2 महीने का। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जो जितना भी हुआ है केजरीवाल को वोट, केजरीवाल जी के काम के आधार पर काम दिया गया है, और उस हिसाब से उनकी जीत सुनिश्चित की गई थी जो कि वो अब जीत चुके हैं। धन्यवाद। जो मजदूर बन गए उससे हम उसकी जाँच करना चाहिए कि हाँ भाई उनके विचार जो केजरीवाल जी की जीत हुई है उसका किसने श्रेय उनको जाता है, केजरीवाल जी जीते हैं। कहेंगे कि उनका काम के ऊपर जीत गया, हर जगह काम वो बहुत अच्छा करते हैं और किए हैं और करते रहेंगे, उनको बल्ले बल्ले जीत रहेगा ही। हम तो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जिंदाबाद। ये है आम आदमी की राय, और इन्होंने बिजली पानी की जीत बोली है, और हम दूसरे भाई साहब से पता करना चाहते हैं। हाँ सर, आप बताइए कि आपकी नज़र में जीत किस हिसाब से रहेगी? तो अब आपको लगता है कि ये रैलियाँ सब स्थाई हो जाएंगी? अच्छा, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप बताइए। आप क्या चाहते हैं केजरीवाल जी से? केजरीवाल जी आए यहाँ पर, आप बताइए भाई साहब की नज़र में क्या है? बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा किया है, गरीब के लिए खुला हुआ, लेकिन बीजेपी को मौका मिलता तो वो भी करते इसे ज़्यादा सुविधा करते, लेकिन मौका उनको नहीं मिला, और इनसे भी खुशी पर इनसे कोई पब्लिक नाराज नहीं है, इसीलिए उसको वोट दिया गया और जिताया गया। कुछ लोग अभी भी बीजेपी के पक्ष में हैं, ये उनकी दिल से राय, लेकिन वो केजरीवाल जी का भी सम्मान कर रहे हैं। डॉन एक्सप्रेस से कैमरामैन तिवारी का, मैं अजय सिंह, विधानपुरी विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से नहीं दिया, विकासपुरी विधान क्षेत्र में खड़े हुए हैं विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे हम जो भी जीत हुई है केजरीवाल जी की उसके विषय में हम जानना चाहते हैं आम नागरिक से। सर जी बताइए कि आप ये कैसा रहा माहौल, और आपको कैसा लगा ये किसी की जीत हुई है? शिक्षा के लिए क्या बोलेंगे? ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने सभी रैंकों में जहाँ चली है, यहाँ पे एक नौजवान स्टूडेंट भी अपना साल का एंजॉय कर रहे हैं, सभी जो जानना चाहिए आप बेटा बताइए आप जरा। ये हमारे जो नौजवान बच्चे हैं इनके भी साफ स्पष्ट हैं कि हम ये मुस्लिम वाला दंगा और ये चार पांच का मुद्दा, धर्म का मुद्दा नहीं चलने वाला, ये जो भी नए नए स्टूडेंट हैं सारे कहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य सब चले जो काम कर रहे हैं। हम कृष्णा बस्ती का प्रधान जी से बात करना चाहते हैं। आप बाहर आ दीजिए, ये पिछली बार जो सरकार बनी थी थी सरकार बनने का पानी फ्री किया इन्होंने, उसके बाद अब ये बस भी फ्री कर दी उन्होंने, उसके बाद महिलाओं को फ्री कर दिया, और ये जो है बिजली फ्री कर दिया, अस्पताल पढ़ाई हर चीज़ में आगे है। दिल्ली 13 नंबर पे था पढ़ाई पे, अब 3 नंबर पे आ चुका है केजरीवाल की वजह से। ये
ये यहाँ के जागरूक मतदाता है और पूरे का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं और एक एक आंकड़ा इनके पास है। हाँ बेटा आप कुछ बताएंगे। केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया, इसीलिए हमें सबको उसी को जो सच्चाई करता है उसके लिए वोट मिलेगा, जब वो वही जीतेगा। हर कोई यहाँ पे केजरीवाल जी को सच्चाई का देवता बता रहा है, क्या ये अब और किसी भी पता करेंगे क्या बातें सच्चाई है? आप बताइए भाई साहब। सच्चाई की जीत हुई है, काम अच्छा किया और आगे भी ऐसा ही करता रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। और अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आगे ऐसा ही करता रहे बहुत अच्छा है। हर चीज पे ध्यान दिया उन्होंने, इलेक्शन में हर पार्टी वाले नजर आते हैं, ट्रैफिक में थोड़ा क्राइम में थोड़ा खत्म हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा आगे, बहुत अच्छा किया। आधे घंटे बात करने के लिए आए योगी जी, आधे घंटे बात करने के लिए आए योगी जी, पूरी रेडी साहब मुख्यमंत्री आए थे यहाँ कंबल बांटने के लिए, उसमें खड़े चल रहा है और 69 तक भी आने का उम्मीद है अभी। केजरीवाल जब आए तो हम खड़े हुए काम कर रहे थे, योगी जी आए तो हमें हटवा दिया यहाँ का लोकल मुद्दा, गरीबों को हटा रहे, गरीबी हटाओ ये कहते गरीबों को हटा रहे, तो इसलिए यहाँ अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ के लोकल प्रॉब्लम क्या है, जिससे कि हम केजरीवाल जी को ये ध्यान में याद करेंगे कि यहाँ पे जो लोकल प्रॉब्लम है इनको समाधान किया जाए। यहाँ पे जो है ना हम लोग अब ये काम करते हैं, जब केजरीवाल और महेंद्र यादव जी बोल रहे हैं आप काम करो, लेकिन जब योगी जी आते हैं तो पूरा रेडी, कोई गाड़ी नहीं आना चाहिए। पुलिस वाले ने यहाँ पे हमें बहुत दुखी कर दिया, हम खुद रेडी को लेके दूर दे के चले गए थे, इसी वजह से केजरीवाल जीतेगा। अरे हम किसी काम में भी केजरीवाल का आपने तो ये बताइए क्या महेंद्र यादव का कोई योगदान नहीं है जो यहाँ के MLA हैं? अरे बहुत ज्यादा महेंद्र यादव का घर के महेंद्र यादव का इलाका आता है पूरा महेंद्र यादव का इलाका आता है, बहुत अच्छा है, घर घर जाते हैं, बात होती है वो बोलते हैं चलो मैं चलता हूँ, एक बार जाओ उनके पास तो साथ में चलते हैं उठ के, चाहे रात हो दिन हो ऐसी बात। आप महेंद्र यादव के काम से भी सहमत हैं? हाँ सहमत। क्या भाई इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है? क्यों नहीं, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ के MLA के साथ साथ केजरीवाल जी की जीत है और यहाँ के विधानसभा में जो भी काम किया गया उससे आप लोग सारे के सारे संतुष्ट हैं? यहाँ पे पार्टी जात-पात किसी पे वोटिंग नहीं है, जो काम कर रहा है उसको वोटिंग है, उसी को वोट देंगे, किसी को वोट भी दिया, वोट नहीं है किसी को, वोट भी हमने दिया केजरीवाल के लिए और ये अच्छा किसी भी चिन्ह पे जो काम करेगा उसी के लिए वोट देंगे और आगे भी यही चलते रहेगा। तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे जो लोकल MLA हैं महेंद्र यादव और केजरीवाल जी से बड़े संतुष्ट हैं ये लोग और ये आगे भी चाहते हैं कि ये केजरीवाल जी की गवर्नमेंट बनती रहे। यहाँ के लोकल निवासी हैं और ये मजदूर लोग हैं जो कि ठेले पे खाना खाते हैं, सब यही चाहते हैं कि केजरीवाल जी दोबारा आएँ। मैं अजय सिंह कैमरामैन तिवारी जी के साथ विधानसभा क्षेत्र डाउन एक्सप्रेस के साथ नई दिल्ली से, धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो प्रचार अभियान चला उसको इतिहास में, दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास में अब तक का सबसे तीखा चुनाव प्रचार का कहा जा रहा है, जिसमें शाहीन भाग से लेकर के बिजली पानी सड़क से लेकर के सभी मुद्दे हावी रहे। भारतीय जनता पार्टी जहां शाहीन बाग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दे को उठाती रही, वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उनकी आम आदमी पार्टी लगातार फ्री बिजली पानी एवं DTC बसों में महिलाओं के फ्री यात्रा को मुद्दा बनाते रहे। स्कूल स्वास्थ्य को भी आम आदमी पार्टी ने जम करके मुद्दा बनाया और इन परिणामों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे पर भरोसा किया तथा उनको एक बार फिर से 5 साल के लिए जनादेश दिया तथा ताकि वह अपने बाकी मुद्दों को पूरा कर सकें। आखिर वो कौन कौन से मुद्दे थे जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान हावी रहे तथा जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया? आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी इतना एग्रेसिव कैंपेन चलाने के बावजूद हार गई? जनता को कन्विंस करने में, जनता को आश्वस्त करने में, अपने साथ लेने में, जनता का विश्वास जीतने में आखिर भारतीय जनता पार्टी असफल क्यों रही? और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को कैसे आश्वस्त कर लिया? इस चुनाव के संकेत तथा इसके निष्कर्ष, इस पर मैंने बात की मनोज पाठक जी से, आइए सुनते हैं उस चर्चा को। नमस्कार। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया था, आम आदमी पार्टी ने लगातार दूसरी बार ज़बरदस्त जीत दर्ज की और
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि दिल्ली में उनको हरा पाना अभी किसी और, चाहे बीजेपी के मनोज तिवारी हो या प्रवेश वर्मा हो या चाहे बीजेपी की पूरी मशीनरी हो, दिल्ली में उनसे पार पाना अभी संभव नहीं है। बीजेपी को एक मजबूत लीडरशिप की तलाश करनी होगी। तो आइए जानते हैं और क्या क्या मुद्दे रहे और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 62 और भारतीय जनता पार्टी, जो पिछली बार 3 सीटें जीती थी, इस बार 8 सीटों पर आकर के सिमट गई। इसके क्या कारण रहे और इसके क्या संदेश हैं? तो पाठक जी, आपके नज़र में जो प्रमुख कारण है आम आदमी पार्टी के जीत के, वह क्या हैं? आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही, कि वो चाहे बिजली पानी और इसके जो मुद्दे रहे, जो भी उसे लगा कि हमें उस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, उन मुद्दों को दिल्ली की जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही, इसलिए वो चुनाव जीत गई। यानी दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी इस बात के लिए कन्विंस कर पाई, हाँ, कि हमने जो डिलीवर किया है इसको आप देखिए और आगे क्या हो सकता है भविष्य को। तो जनता ने अरविंद केजरीवाल में एक बार फिर से विश्वास जता दिया कि जो चाहे फ्री बिजली का हो, फ्री पानी का हो, जैसा अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना, नहीं तो मत देना। यानी कहने का मतलब है कि दिल्ली की जनता ने कह दिया कि आपने काम किया है, आपको हम और 5 साल का मौका देते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों को स्कूल को लेकर के भी बहुत सारे लोगों का कहना था उसमें हो करके, चाहे वो जिस तरीके से हो, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम, पूरी मशीनरी ने यहाँ के लोगों को ये बात समझाने में सफलता हासिल की है, इसीलिए ये जनादेश उनके पक्ष में है। यानी एक कम्युनिकेशन, अरविंद केजरीवाल अपनी बातों को कम्युनिकेट करने में, जनता तक बताने में, पहुंचाने में पूरी तरह से सफल रहे। बिल्कुल, जबकि उनकी कमियां गिनाने में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ी। कांग्रेस का तो चर्चा भी, मैं समझता हूं कि उसकी चुनाव को लेकर के चर्चा बेमानी ही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ी, इस बात को लेकर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस मुद्दे पे, कि कांग्रेस कहीं चुनाव में लड़ते हुए दिख नहीं रही थी। यानी अरविंद केजरीवाल अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने में पूरी तरह से सफल हुए। एक यह भी कहा जा रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये तो अरविंद केजरीवाल ने उसको बताया ये गवर्नेंस वर्सेस पोलराइजेशन की राजनीति है, तो क्या कहा जाए कि आज गवर्नेंस की जीत हुई? कह सकते हैं, ये जिस तरीके से उन्होंने जो बातें लोगों तक पहुँचाई उसमें एक बात इसको कह सकते हैं। लेकिन यदि इसको एक तरीके से और देखें, हम लोग समझने की कोशिश करें, हम चुनाव के नतीजों पे देख रहे थे हमने कि कहां कहां से क्या क्या रहा उसमें परसेंटेज वगैरह को लेकर के, तो एक बात आप समझेंगे कि जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र रहे हैं, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज हाई पे है, कहीं 82%, कहीं 72%, कहीं 79%, इस तरह का पोलिंग हुआ है, तो पोलराइजेशन भी तो हुआ ही है इस पे भी। हाँ, इसमें तो हुआ है, यानी तो मुस्लिम समुदाय ने एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग तो किया है। बिल्कुल, और बीजेपी के अगेंस्ट, और उनके अंदर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है, कंप्लीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट गया है। हाँ, बिल्कुल, इसका एक उदाहरण यहाँ पर भी दिखता है, जहाँ पे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद परवेज हाशमी ओखला में अपनी जमानत तक बचाने में 1500-1600 के आसपास का वोट लेकर के सिमट जाते हैं। हाँ, और तो इस बात को समझने का है कि मतलब वहाँ उन लोगों ने जो भी वोटिंग की है वो एक टेक्टिकल वोटिंग रही उनकी, और वो उसके हिसाब से ही, तो एक बहुत बड़ा उनका भी योगदान है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और भी कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने, बीजेपी ने जहाँ एक उग्र हिंदुत्व की करने की कोशिश की, वहीं पर एक आम आदमी पार्टी, स्पेशली विशेष करके अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व का भी कोशिश किया। आज भी जब वो चुनाव जीतने के बाद से उन्होंने भाषण दिया, तो भी बजरंग बली को पहले हनुमान मंदिर से आए, फिर बजरंग बली के नारे के साथ शुरू किया। तो यानी अपने आप को जो बीजेपी कोशिश की उनको हिंदू विरोधी दिखाने की, इसको वो एक तरह से कन्विंस करने में सफल रहे कि वह हिंदू विरोधी नहीं है।
यानी ये तो बदलाव आया है। हाँ देखिए, जब पूरे चुनाव के इसमें देखेंगे और जिस तरह से चुनाव जो है वो जाकर के शाहीन बाग वर्सेज नॉन शाहीन बाग और इस तरीके की चीज़ें चली और अंत में आकर के कुछ टीवी चैनलों के साक्षात्कार में और इसमें अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ करना और ये सारी चीज़ें उस पर रही, तो कहने का मतलब है यानी आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के पिच में फंसने के बजाय, राष्ट्रवाद के पिच में फंसने के बजाय अपने आप को भी राष्ट्रवादी साबित करने में एक तरह से सफल रही। उसने एक नया राष्ट्रवाद की परिभाषा देने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद सिर्फ वही नहीं है जिस राष्ट्रवाद को भारतीय जनता पार्टी कहती रही है, राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा बताने की उसने कोशिश की कि आइए एक राष्ट्रवाद यहाँ है जहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और सारे धर्मों की बात हो रही है, सारे लोग हैं, तो वो एक बात उसने कही है, वो बात रखी है उसमें। एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने डिलीवरी पे तो जनता को कन्विंस कर ही पाए हैं, इसके अलावा यह बीजेपी की भी असफलता को दिखाता है कि वह एक स्टेट लीडरशिप यानी राज्य स्तर पर कोई नेतृत्व खड़ा करने में असफल रहा, क्योंकि अगर 8 महीने पहले यहाँ पर इसी दिल्ली की जनता ने बीजेपी को 56% वोट के साथ 7 सीटें दी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो 38% वोट ला करके मात्र 8 सीटें जीत पाती। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, अलग मसले होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। लोग अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि उस समय इतना परसेंट वोट इधर और इतना परसेंट वोट आम आदमी पार्टी को मिला। लोकसभा में नरेंद्र मोदी मुद्दा थे, आप देखेंगे कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भी अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को छूने की कोशिश नहीं की है, है ना। तो इस तरीके से अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दिक्कत ये रही कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कार्यों को भी गिनवा नहीं सकी है लोगों के बीच में, यह तो भारतीय जनता पार्टी की असफलता है। बिल्कुल असफलता है। अरविंद केजरीवाल ने तो उनको रोका नहीं था कि आप अपनी असफलता को मत गिनवाइए। बिल्कुल नहीं रोका हुआ था भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं किस एंगल से किस तरीके से इस चीज़ को समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को भी अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यों में जोड़ लिया। आप देखेंगे करीब 4 महीने से आम आदमी पार्टी का कैंपेन शुरू हो चुका था और वो दिल्ली गवर्नमेंट के फंड से वो कैंपेन चल रहा था, रोज़ 4-4 पन्ने 3-3 पन्ने का विज्ञापन अखबारों में जारी हो रहे थे और दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख अखबारों में जारी हो रहे थे। उसमें चाहे वो पोल्यूशन को कम करने का मुद्दा रहा हो, उसमें एस्टर्न पेरिफेरल को भी लेकर के बात हो गई, एस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल को, उसमें उन्होंने ये भी एक करके छपवा लिया अपना कि अमेरिका हमें कहता है इसमें, जबकि जिस राइटर का वो राइटअप था तो वो राइटर ने बाद में कहा कि भाई हमसे तो झूठ बोल करके इस तरीके का किया गया, मुझे छला गया है वो करके। तो एक एक बात और ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के वो हथकंडों की बात अलग होती है जो उन्होंने अपनाए लोगों को समझाने में, वो उस तरीके का भी उन्होंने किया। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में यह लगातार 3री जीत है। बिल्कुल 2013 में भी वो जीते थे, हालांकि 28 सीटें आई थी और मुख्यमंत्री बने, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते, तो लगातार अगर 3री बार कोई व्यक्ति जनता को यह कन्विंस करने में या आश्वस्त करने में सफल होता है कि हमारे हाथों में दिल्ली सुरक्षित है, तो आप उससे उसका श्रेय नहीं ले सकते। नहीं, श्रेय लेने और देने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं जो कह रहा हूँ, मेरा जो देखना था इस पे कि आप 2013 को भी देख लीजिए, 2015 को भी देख लीजिए, 2020 को भी देख लीजिए, आप सारे चुनावों को जो देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जिस समय 28 सीटें आई थी क्या स्थिति थी, कांग्रेस का क्या स्थिति, कांग्रेस की क्या स्थिति रही, कांग्रेस के फिर बाद में मत प्रतिशत कहाँ चले गए विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस के सारे उम्मीदवार पिछले बार भी हार गए, इस बार भी हार गए। लेकिन इसके लिए तो अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है। नहीं, दोषी अरविंद केजरीवाल को हम दोषी कहाँ कह रहे हैं, हम तो अरविंद केजरीवाल को दोषी कह भी नहीं रहे उसमें। उसमें जो उनकी स्ट्रेटजी है वो बेहतर काबिल तारीफ है, उस पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से लोगों को उन्होंने कन्विंस करने में सफलता पाई, वो है, चूंकि राजनीति में तो राजनीति ही होगी, लोग राजनीति। और एक चीज और आपको माननी होगी कि अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष में अभी कई चेहरे हैं उनसे ज्यादा अच्छे
जनता के मुद्दों और जनता को पढ़ने में सफल हैं, चाहे वह सीएए हो। सीएए पे मनीष सिसोदिया ने एक बार कहा कि हम शाहीन बाग वालों के साथ हैं, उसके बाद से मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से बाहर नहीं निकलने दिया। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। नहीं, उसको तो हम ये सब कहेंगे उसमें कि देखिए, मनीष सिसोदिया का कहना और अरविंद केजरीवाल का कहना दोनों दो नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का कहना और अमित शाह का कहना दोनों दो नहीं हो सकता है, ठीक है। वो तो एक पानी थाहने के लिए पत्थर फिकवा दिया गया मनीष सिसोदिया जी से, पानी की थाह लगी, अरविंद केजरीवाल ने उस पर कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, उसके बाद से हनुमान चालीसा हनुमान को बने उस पर आ गया लौट करके। अरविंद केजरीवाल कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को अपने मुद्दे पर कन्विंस करने, आश्वस्त करने में सफल हुए, और जनता को भी जो इन्होंने पानी, फ्री बिजली, डीटीसी में फ्री यात्रा, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि के जो वादे किए और जो दिखे भी, उससे जनता आश्वस्त हुई। बिल्कुल। और एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, तभी तो ये जनादेश मिला। एक और, हाँ बिल्कुल, एक और छोटी ही चीज़ है, लेकिन जो ऑटो वाले हैं ये भी पब्लिक इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मीटर उनका था, मीटर को बार बार बदलने के लिए, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, भले उसमें साल में एक बार ही लगता हो, लेकिन जो हरासमेंट उसको 2 साल कर दिया गया, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल, ऑटो वालों का फेयर बढ़ा, उनकी परेशानी घटी, वो बार बार जा कर के जो उन्हें चक्कर लगाने पड़ते थे, फेरे लगाने, वो फेरे बंद हुए उनके, तो वो अपने आप को राहत महसूस किया उन लोगों ने। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसका भी प्रभाव तो है। डोर स्टेप डिलीवरी हुआ, हाँ। उसका भी जनता ने, जो चीज़ें हुई, कितना डिलीवर हुआ, जहाँ तक भी डिलीवर हुआ, जनता ने उसको अप्रिसिएट किया। बिल्कुल। लेकिन वो सबसे बड़ी बात जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इस पे जनता ने सरकार को अच्छे मार्क से पास कर दिया है। और जनादेश तो यही बता रहा है, जनादेश तो यही बता रहा है, जनादेश तो कह रहा है कि डिस्टिंक्शन मार्क से, यानी एक तरह से आप इस मैंडेट को भी 2015 के मैंडेट के बराबर ही मानेंगे, अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो लगभग उतना ही है। बिल्कुल, इस बार भी बीजेपी का भी वोट परसेंटेज जंप किया है। हाँ, एक चीज पिछली बार भी थी और पिछली बार से भी आगे बढ़ करके, कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो गई है, यानी कांग्रेस का समाप्त हो गई। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि एक राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल, जिसका कि दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली जैसे राज्य से लगभग उसके जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, दूसरी पंक्ति में या पहली पंक्ति में ही कह लें, यहाँ पे नेताओं का अकाल सा हो गया है, उसके पास लड़ने के लिए लोग नहीं हैं जो चुनाव लड़ सके। इस बार का चुनाव परिणाम पूरी तरीके से देखेंगे। कांग्रेस ने तो सरेंडर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को जो लग रहा था कि 21 साल बाद उसका वनवास खत्म हो गया, वह 5 साल के लिए और बढ़ गया, और दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सत्ता को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में और मजबूती के साथ, अरविंद केजरीवाल और मजबूत नेतृत्व के रूप में उभरे हैं, और दिल्ली की जनता अब यह उम्मीद करती है कि अरविंद केजरीवाल जो वादे किए हैं उसको जमीन तक लाएंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। इस चर्चा से एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे ताकतवर नेता के रूप में, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला अब न तो बाहर कोई है और न आम आदमी पार्टी के अंदर। हालांकि पिछली बार भी आम आदमी पार्टी इससे बड़ी जीत दर्ज करके आई थी, 67 सीटें जीत करके आई थी, लेकिन पूरे 5 साल विभिन्न नेताओं द्वारा, आम आदमी पार्टी के विभिन्न नेताओं द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को चुनौती दी जाती रही, लेकिन इस बार ऐसा कोई नहीं बचा है जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सके, उनके नेतृत्व को चुनौती दे सके। यह जीत सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार के गवर्नेंस की है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल को चुनौती देना है तो उसे एक नेतृत्व,
स्टेट लीडरशिप में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में एक सक्षम नेतृत्व खड़ा करना ही होगा, एक समानांतर नेतृत्व खड़ा करना होगा, जिसे अल्टरनेट के रूप में, जिसे विकल्प के रूप में जनता के सामने रखा जा सके। क्योंकि अब जो चुनाव हैं वह प्रेसिडेंशियल स्टाइल में, राष्ट्रपतीय प्रणाली में होने लगे हैं। आपको एक मजबूत विकल्प को चुनौती देने के लिए एक जनता के सामने एक मजबूत विकल्प देना ही होगा। तब तक दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता सौंप दी है और उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आने वाली सरकार दिल्ली की जनता से किए अपने सारे वादों को बखूबी पूरा करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।